हाँ चल रहा है यार। आप सुनाइए, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? नमस्ते। नमस्ते ऋषभ है? हाँ जी। मैं तुझे बाद में फोन करता। चाचा जी आप यहाँ? आपने आने की तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लिया होता। आइए बैठिए। क्या करें ऋषभ, भले मैं बाहर कुछ भी हूं लेकिन बेटी का बाप तो हूं। अब उसकी शादी का कार्ड देने तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा। ये लो। थैंक यू। वैसे चाचा जी, ऋतु की शादी को लेकर काफी भागदौड़ हो गई है ना, इसलिए इस दरमियान ऑफिस के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाते होंगे आप। ऐसी बात नहीं है, ऑफिस को पूरा वक्त दे रहा हूं। रियली? तो और सुनाइए, आजकल मल्होत्रा इंडस्ट्री के क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, धीरे धीरे सब संभलता जा रहा है। किसके हाथों में संभलता जा रहा है? किसके हाथों में संभलता जा रहा है क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री के सर पर तो आजकल आपका हाथ है, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही संभलेंगे। नाइस वॉच चाचा जी। इससे पहले आपकी कलाई पर ये घड़ी कभी नहीं देखी? नहीं है क्या? बेटे ये वो करण है ना, ये उसने जबरदस्ती मेरे हाथ पे बांध दी। वैसी अपने हाथ संभाल कर रखिएगा चाचा जी, कहीं एक दिन जबरदस्ती करण आपके हाथ काट कर ना ले जाए। बेटे कुछ कहने से पहले एक बार सोच लिया कर। बहुत सोचने समझने के बाद ही मैं ये कह रहा हूं। और ये साबित कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टा ही सोचता है। और आप क्या साबित कर रहे हैं चाचा जी? करण ने आपको तोहफे में घड़ी क्या दे दी, आप तो उसी के बन करेंगे। उसके पब्लिकेशन हाउस के आइडिया को बिना सोचे समझे मंजूरी दे दी आपने। बेटे तुम करण से नफरत करते हो ये जाहिर है, और इसी वजह से तुम ना ही सीधा सोच सकते हो और ना ही कुछ सीधा कह सकते हो। चलिए ठीक है, तो किसी सीधे समझने वाले इंसान को बुलाते हैं और मल्होत्रा इंडस्ट्री जो पब्लिकेशन हाउस खोलने जा रहा है उसके बारे में उसके विचार पूछते हैं। बड़े धीरे से प्यार से स्टूपिड कहकर निकल जाएगा। तुम करण से जलते हो, यह तुम्हारी जलन का नतीजा है ऋषभ। सभी उसके काम को तुमसे ज्यादा पसंद करते हैं, यह तुमसे बर्दाश्त नहीं हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उसके ये पब्लिकेशन हाउस का आइडिया बड़ा नायाब, बड़ा उमदा, बड़ा कमाल का? इज दैट व्हाट यू सेइंग? डेफिनेटली ऋषभ। ओह कम ऑन। देखो ऋषभ, अगर किसी भी बिजनेस से हमें जरा सा भी फायदा हो सकता है वो हमारे मतलब का बिजनेस है। किसके फायदे की बात कर रहे हैं आप, और किसका क्या मतलब निकलता है मल्होत्रा इंडस्ट्री से, क्या इतना भी समझते हैं आप? शायद नहीं चाचा जी, इसलिए एक बार फिर आपको आगाह कर रहा हूं, करण के शिकंजे में मत फंसिएगा। कोई सुझाव देने से पहले करण नाम का जो कीड़ा कॉम्प्लेक्स तुम्हारे अंदर पल रहा है उसे बाहर निकाल कर देख दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा।